कुछ सेकंड का एक वीडियो और वो ऐसा वायरल हुआ कि करोड़ों लोग दीवाने हो गए हैं इस वीडियो के और इस एक्ट्रेस की। हम बात कर रहे हैं प्रिया प्रकाश वॉरियर की। मलयालम फिल्म में पहली बार काम कर रही इस लड़की के अंदाज ने सबका दिल जीत लिया है और मेरे साथ प्रिया प्रकाश वॉरियर हैं। प्रिया, इतना फेम, इतनी जल्दी, इतनी शोहरत, कैसे कि आपको अंदाजा था इसका? और अब जब इतनी शोहरत आपको अचानक से मिल गई है, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, तो आप कैसे इन सबको हैंडल कर रही हैं? मुझे अभी तक पता नहीं चला कि कैसे हैंडल करूं मेरे एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। मैं अभी भी ऐसे सोच रही हूँ कि क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी भी उस वंडर, वो स्टेट में हूँ, पता नहीं कि कैसे हैंडल कर पाऊंगी आगे। कैसे, आप तो स्टूडेंट हैं, कॉलेज जा रही हैं, दोस्त हैं, टीचर्स हैं, वो सब क्या कह रहे हैं इस पर, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा असर पड़ रहा है? कॉलेज में तो मेरा अटेंडेंस पर बहुत असर पड़ा है ऑलरेडी, अभी पता नहीं, पर फिर भी मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और टीचर्स बोल रहे हैं कि बहुत प्राउड है हम लोग, तो मुझे लगता है कि आगे भी उन लोग सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे मुझे मेरे स्टडीज़ में। और ये सब शुरू कैसे हुआ, ये फिल्म आप कर रही थी, इसमें ये सीन पहले से था या ये अचानक कुछ हुआ? ये सीन कुछ प्री प्लान्ड या प्रैक्टिस किया हुआ सीन नहीं था, एक्चुअली ऑन द स्पॉट हमसे डायरेक्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे कर पाओगे, तो मैंने बोला कि हाँ ट्राई कर सकती हूँ, और उन्होंने बोला कि ओके आंख भी मार देना उसके साथ तो हम लोगों ने ऐसा ट्राई किया, एक शॉट में ओके हो गया, और अभी पता नहीं कि क्या क्या हो रहा है। तो अब ये इतना वायरल हो गया, और इसके पहले आप क्या कर रही थी, ये जो आंख मारने की का जो सीन था और ये जो फिल्म है, उसके पहले आपने और क्या क्या किया? मैंने सिर्फ 3 शॉर्ट फिल्म्स किया है, ये मेरा डेब्यू मूवी है एक्चुअली, तो पहली बार कर रही हूँ। और इसके इतने सारे मीम्स बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, बहुत इंटरनेट पे ये छाया हुआ है, आपने देखा ये सब? हाँ मैंने देखा है, बहुत फनी है और अच्छा लगता है कि बड़े बड़े लोगों के साथ भी ट्रोल्स आ गए हैं, इवन नरेंद्र मोदी के साथ भी आ गया, तो इतना ही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको लेकर अब आपको परेशानी हो रही है कि आप जहां भी जाएं आप लोग कहेंगे अरे यही है जिसने विंक किया था और लोग आपको देख के विंक करें, आंख मारें, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, अब तक तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कॉलेज जाती हूँ मैं, तभी ऐसे यूथ लोग तो पहचान लेते हैं, पर अभी भी आई थिंक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम या सताने वाला कोई नहीं है। अच्छा, और प्लान क्या है आपका एक्टिंग, आपकी पहली फिल्म है, आप एक्टिंग कंटिन्यू करना चाहेंगी, हमेशा यही आपका सपना रहा है? एक्टिंग कंटिन्यू करना है मुझे, क्योंकि दैट्स व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ, मैंने बचपन से यही ड्रीम किया है, तो एक्टिंग ज़रूर कंटिन्यू करना है, पर अब तो मेरे डेब्यूट मूवी आने के बाद ही कोई अदर प्रोजेक्ट मैं कंसिडर करूँगी डेफिनेटली, और भी दूसरे इंडस्ट्रीज में भी मुझे एक्टिंग करना है। तो अब तो फिल्म आने के पहले इतनी हिट हो जाएगी फिल्म, इसमें कोई शक नहीं है, इतना वायरल हुआ आपका ये वीडियो। ये जो वीडियो इतना वायरल, ये जो सीन है, इसकी बहुत रिहर्सल किया था क्या आप लोगों ने कि राइट शॉट आ जाए, या बिल्कुल ऐसे स्पॉन्टेनियस हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही मैंने रियल लाइफ में ऐसा कुछ ट्राई किया है। डायरेक्टर ने बोला आंख मारना, तो मैंने किया, स्पॉन्टेनियसली आ गया, मुझे पता नहीं, प्रैक्टिस या प्लानिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ा। इसके अलावा और आपके क्या शौक हैं, आप तो क्लासिकल डांसर भी हैं? मैं एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर हूँ, 10th ग्रेड तक क्लासिकल डांस सीखी हूँ, और अब भी कर्नाटिक म्यूजिक भी सीख रही हूँ, गाना मेरा सेकेंड लव है आफ्टर एक्टिंग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिया प्रकाश, आपकी फिल्म ज़रूर हिट होगी, फिल्म आने के पहले ही पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म, इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गई है फिल्म, शुक्रिया आपका प्रिया प्रकाश वॉरियर।